हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज आपने उससे टाइटल से पता लग गया है आपको कि मैं क्या वीडियो शूट करने जा रही हूँ। यस, मेरी कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं। एक्चुअली वो मेरे सब्सक्राइबर हैं, कोलकाता से इधर आए हुए हैं दिल्ली। चंडीगढ़ आए थे पहले, फिर दिल्ली। और उनके साथ क्या हुआ था, एक केस हो गया था, मैं आपको तसल्ली से बैठ के बताती हूँ। एक्चुअली जब वो रक्षाबंधन पे चंडीगढ़ गए थे तो वो अपना बनी साथ में लेकर आए थे। उनके पास एक बनी है और वो अपना साथ लेकर आए थे, और वो कहीं खो गया या किसी ने चोरी कर लिया, कुछ पता नहीं चला। मतलब रक्षाबंधन थी संडे, और संडे को आई गेस या मंडे को वो किसी ने वहां से उठा लिया। बात मैं बता रही हूँ चंडीगढ़ की। देन उसके बाद आज मुझे मैसेज आया है कि वो बनी वापस मिल गया है। मतलब रियली मैं आई एम सो हैप्पी कि, क्योंकि रैबिट्स आपको पता है कि 5 मिनट भी बाहर जाए तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो प्रे एनिमल्स हैं और प्रेडेटर्स उनको छोड़ेंगे नहीं। तो व्हाट आई फील कि मुझे लग रहा है किसी ना किसी ने उसको उठा लिया था और वो वापस छोड़ गया है, अब पता नहीं क्यों और या क्या था। जो भी इसके पीछे का रीजन था मुझे नहीं पता, पर से मेन चीज है वो ये है कि वो बेचारा बच्चा वापस आ गया है और बहुत खुश है। चरणजीत नाम है मेरी फ्रेंड का। एक्चुअली वो मेरे चैनल के थ्रू ही मेरी फ्रेंड बनी है। तो जब दिल्ली आई तो हम लोगों ने प्लान किया कि चलो यार मिलते हैं। उसने बोला हाँ मैं ऑफलाइन आके शॉपिंग भी करूँगी। तो हमको लगा कि चल ठीक है यार, घर से बेटर जगह कुछ नहीं होगी। तो वो आ रही है मेरे घर, अभी ऑन द वे है। तो मुझे लगा क्यों ना मैं व्लॉग शूट करूँ, ताकि थोड़ा सा एक आप लोग भी उसका हिस्सा बन जाओ, आप लोग भी उसके साथ मतलब हमारे साथ शॉपिंग भी कर सकते हो। और बस ठीक है, मैं उसका वेट कर रही हूँ। अभी जस्ट नहा कर आई हूँ, क्योंकि कुछ मेरे पैकेजेस थे जो डिलीवर डालने थे वो सब डाले हैं और कुछ नहीं डल पाए हैं। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैक्सिमम मैंने डाल दिए हैं। और गाइस, हाँ, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं बता दूं कि प्लीज़ 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 थोड़ा सा ना आप पेशेंस रखा करो। जब आपने ऑर्डर किया होता है ना, तो मेरे को आपसे ज़्यादा टेंशन होती है कि मुझे वो डिस्पैच में डालने हैं। मतलब आपको तो टेंशन होती ही होती है कि हमें वो सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि कई लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते। बट सही बताऊं, मुझे आपसे ज्यादा टेंशन होती है, क्योंकि मुझे लगता है अरे यार जल्दी निकल जाए। बंदे को सामान टाइम पे पहुंचे ना, तो बंदा और भी डबल खुश हो जाता है। तो मेरा ये वाला मोटिव होता है। और हाँ, विलो के प्रोडक्ट्स मेरे पास आ चुके हैं। फर्स्ट टाइम इन इंडिया विलो मैं लेकर आई हूँ, जो सेफ च्यू करने के लिए सेफ होता है। अभी तक आपने अगर इंटरनेशनल साइट से इंटरनेशनल चैनल देखते हो ना, सिर्फ वहीं देखा होगा विलो। बट माय इडन में फर्स्ट टाइम विलो आ चुका है। उसका वीडियो मैं सेपरेट अलग बनाऊंगी। मेरे को कुछ नॉलेज वाले वीडियोज बनाने हैं। बिलीव मी, जब से थिमोथी है आई है ना, मैं ऐसे पैक्ड हूँ, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं खाने को छोड़ के ना थिमोथी ये खा लूँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पैक्ड हूँ ना, बहुत ज़्यादा। तो बस थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं अभी, बहुत सारे पुराने ऑर्डर्स थे वो सब हो चुके हैं, तो मैं रिलैक्स होकर वीडियो बनाने के मूड में हूँ। आज मैं अभी अपनी फ्रेंड के साथ थोड़ा सा हम लोग बैठेंगे, चाय वाय पियेंगे, तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अब बस मैं उसका वेट कर रही हूँ। हाफ एन आवर हो गया उसको निकले हुए, वो दिल्ली से आ रही है। आई थिंक 1 घंटा 1.5 घंटा उसको लगेगा। बच्चे सब आ रहे हैं, और पहले तो ये बोल रही थी बनी लेकर आ रही हूँ, बट अब पता लगेगा आने के बाद ही कि वो लेकर आ रही है। उसने 2 बनी और ले लिए थे अपना, वो वाला बनी जब उसका मिस हो गया, क्योंकि जो एक बार रैबिट जिसकी लाइफ में आ जाता है ना, वो उसके बिना रह नहीं पाता है। ये एक बहुत बड़ा सच है, क्योंकि ये इतने अडोरेबल पेट्स है ना, तो जब आपकी लाइफ में एक बार रैबिट आ जाता है ना, तो आपको लगता है कि यार इसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। तो वो 2 छोटे छोटे बच्चे ले आई थी, और पता नहीं अभी मेरी उससे बात हुई नहीं है, बस वो वहां से निकली थी तब हमारी बात हुई थी। तो लेट्स सी, मिलते हैं आप थोड़ी देर बाद। बस वो लोग आ चुके हैं, कभी भी बेल बज सकती है, तो हम लोग मिलते हैं। तो सब आ चुके हैं, नीच प्लीज चरणजीत, हाँ हाँ आप भी आ जाओ, ये उसका बेटा है, ये कह रहा है मैं नहीं आया, उसको नहीं उठाना। और ये उनकी बड़ी सिस्टर है, अपना इंटर खुद दे दो, मैंने नाम भी नहीं पूछा। हम लोग ना चाय वाय बनाकर उसमें बिजी हो गए। कमल ये दिल्ली में रहती है, शनाया ये भी आई है, कोलकाता में रहता है ये बता रहा है। और अभी मैंने इन 2 छोटे छोटे बच्चों को ये भी लेकर आए, इन दोनों को, मतलब मैं बोल रही थी कि नहीं लेकर आते क्योंकि स्ट्रेस हो जाएगा, बट इनको ले आए हैं। और मैंने इनको पैलेट दिए, थोड़ा सा गीला करके दिए ताकि च्यूइंग कर सके, अल्फा अल्फा हे दिए। और बस अभी हम लोग थोड़ा सा मतलब बैठ के गॉसिप्स मारते हैं, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। तो गाइस, अभी हम लोग काफ़ी टाइम हो गया, मैंने बीच में ना शूट नहीं किया क्योंकि हम लोग गप्पों में लग गए थे। और ये देखो हम ना खाना पीना खा रहे थे, अभी शॉपिंग चल रही है और चाय अभी तक पी जा रही है, ठंडी हो चुकी है बट अभी तक पी जा रही है। मैं आपको ना छोटे छोटे बच्चों से दोबारा से एक बार मिलवा देती हूँ, क्योंकि ये लोग जाने वाले हैं। और देखो ये सब शॉपिंग हुई है, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। ये देखो सारी शॉपिंग हो गई है इन बच्चों के लिए। और बच्चे कौन से हैं,
ये देखो अभी हमने इनको क्रेट में रखा है क्योंकि ये बहुत छोटे हैं अभी, और ये अल्फा अल्फा हे खा रहे हैं। हेलो हेलो, और वो रहा चीकू। चीकू को हम पास नहीं आने दे रहे हैं क्योंकि इसलिए इनको क्रेट में रखा हुआ है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा छोटे हैं। वैसे मैं कभी सपोर्ट नहीं करती हूँ कि इतना छोटा आप रैबिट लेकर आओ, क्योंकि उनके सर्वाइवल रेट बहुत कम हो जाते हैं। होपफुली ये अच्छी हेल्थ और अच्छे से रहें। तो फ्रेंड्स अभी भी जस्ट उन लोगों को सी ऑफ करके आई हूँ। मेरे कितने डार्क सर्कल लग रहे हैं। सी ऑफ करके आई हूँ, सारा सामान वामान हमने कैब की थी, पहले उन्होंने गाड़ी की थी बट गाड़ी शायद उनकी चली गई, लेट हो गए थे वो। तो अभी कैब आई थी नीचे, तो मैं उनको सी ऑफ करके आई हूँ। और मैं आज लेट हो गई हूँ मफिन को खाना देते हुए, तो इसलिए मफिन मुझे घूर रहा है। मैं किचन में आई हूँ सबसे पहले, उनको सी ऑफ करने के बाद मैं अब सबसे पहले मफिन को ना खाना दूंगी। बट बहुत अच्छा लगा, मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि हम लोग फर्स्ट टाइम मिले हैं। मैं साथ साथ में सब्जी निकाल रही हूँ, थोड़ा सा कुकुम्बर निकाल रही हूँ और थोड़ा सा कोरिएंडर ले रही हूँ, जो भी सेव वेजिटेबल्स है वो ले रही हूँ थोड़ी सी, क्योंकि मॉर्निंग में मैं इनको पत्ते वाली सब्ज़ी दे देती हूँ, तो अभी मेरे पास ज़्यादा सब्ज़ी अवेलेबल नहीं होती, तो मैं जितनी होती है 2 या 3 वैरायटी वो ही दे देती हूँ। तो ऐसा लगा नहीं कि हम लोग फर्स्ट टाइम मिले हैं, बहुत ही अच्छी मीटिंग थी, मतलब बहुत अच्छा लगा। और एक सबसे बड़ा थैंक्स मेरे इस आप लोगों को, मेरी फैमिली को, कि आप लोग इतना ट्रस्ट करते हो कि कोई किसी से मिलने आ सकता है। वरना ना सोशल मीडिया पे मिले हुए बंदे सोचते हैं कि यार ये कैसा होगा, मतलब ट्रस्ट करने लायक है नहीं है। बट मुझे रियली इतना अच्छा फील हो रहा है ना कि आप लोग इतना प्यार करते हो, इतना ट्रस्ट करते हो, कि आप लोग मतलब एक रिलेशन बन चुका है। थैंक यू सो मच सबको। और आज वो लोग आए ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, पूरी फैमिली मतलब उनके बच्चे बच्चे भी आए थे, और मतलब बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लगा ही नहीं हम लोग फर्स्ट टाइम मिले हैं। मैं अभी जाते भी यही बोल रही थी कि ऐसा लगा नहीं कि हम लोग फर्स्ट टाइम मिले हैं, मतलब हम लोगों ने इतनी गॉसिप्स की हैं। और बहुत अच्छा रहा आज का दिन। तो बस आज के ब्लॉग के लिए इतना था, मैं इनको सब्जी दूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।